हेलो रिवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सर? तो साइंस सीरीज़ में हमने एक जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है साइंस की, जिसमें हम बायोलॉजी में टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। अगर कई स्टूडेंट्स को शायद डाउट भी हो सकता है कि उन्हें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की एक पूरी वीडियो अलग से चाहिए, एक्सप्लेन वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, तो उसके लिए आप नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप वहां से लिंक के थ्रू उस वीडियो को डिटेल जो है आपको वीडियो मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम पर मिल जाएगी। उसमें मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं चाहे तो। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो की। इस टॉपिक पर जो पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स जो जितने हुए हैं उनमें कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कई ग्लैंड आते हैं, जो कि शुरू होता है आपके मुख से, माउथ से लेकर आपका जो एनस है, रेक्टम है, एनस है, जहाँ से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकल जाता है। तो पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल जो है आप, जो कि माउथ से लेकर एनस तक है आपकी, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है वो लेते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लगभग हमारे शरीर में कितनी फिट होती है? 32 फिट। अब आप कहेंगे कि इतनी फिट का तो लंबा इंसान नहीं होता, तो इतनी लंबी जो है हमारे अंदर कैसे एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है? तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आपकी आंत है, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इतनी ज़्यादा जो है क्वाइल्ड है, छोटी छोटी, इतने ज़्यादा उसमें बल पड़े हुए हैं। तो इस तरह ये एलिमेंट्री कैनाल की जो पूरी लंबाई जो है आपकी एवरेज देखें तो 32 फिट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, तो वो है आपका लीवर। दूसरे नंबर पर है आपका पैनक्रियास। तो ये भी चीज़ें जो है आप याद रखें। उसके बाद थोड़ा सा हमने इंट्रो देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम पर, डिटेल्ड वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से देख सकते हैं। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कवर करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव जूस हैविंग नो एंजाइम। तो अलग अलग जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, जैसे कि आपका पैनक्रियास है, आपके जो अन्य ऑर्गन हैं, आपका जो स्टमक है, पेट है, आपका अग्नाशय है, तो ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें अपने जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, और इस जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, तो आपको बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस, जो कि किस ग्लैंड के द्वारा आपका जूस बनाया जाता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो जल्दी बताएं, तो आंसर है आपका कौन सा है आपका, वो है आपका हिपैटिक जूस। हिपैटिक से शब्द किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। तो हिपैटिक जूस जो कि आपके लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखिए कि चाहे लीवर जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट की तरह से गिना जाता है, लेकिन इसके जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, और ये डाइजेशन में जो है फूड को तोड़ने में हेल्प नहीं करता, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं करता। इसके सिर्फ इस जूस का ये काम ये है कि ये जो आपके फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में ज़रूर मदद करता है, जिससे कि इनका जल्दी पाचन हो सके, लेकिन इस जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी बड़ी आंत है उसमें कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ईकोलाई। ईकोलाई इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद बताना है कमेंट करके नीचे, अगर आपको आता है तो जल्दी बताएं, ज़रूर बताएं। डेली कार्बोहाइड्रेट पर डे, तो जो हमें सामान्य रूप से हमें कितने जो कार्बोहाइड्रेट पर डे हमें लेना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है आपको बतानी है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगी कितने लोगों ने कमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हमारे जो दांत हैं चार तरह के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इन चारों में से जो दांत चबाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उनका नाम बताना है। तो कौन से हैं? प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये जो है आपके चबाने के लिए काम करते हैं दांत। नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो मल है आपके शरीर में कहाँ स्टोर होता है। तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसे हम वेस्ट कह देते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है। तो वो कहाँ स्टोर होता है? आपके रेक्टम में। रेक्टम हिंदी में से हम क्या कहते हैं? मलाशय। तो यहाँ आपके स्टोर होता है, और जब अर्ज होती है उसके बाद ये आपके शरीर से, रेक्टम से आपका जो वेस्ट है शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी कौन सा है? तो वो है आपका इनेमल, जो कि कवर करता है आपके टीथ को। तो इनेमल आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दांत और हड्डियां बनी किससे होती हैं? वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। सो ये चीज़ याद रखें। काइम, काइम किसे कहते हैं? ये टर्म काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो काइम किसे कहते हैं? तो जब आपका फूड इन स्टमक, तो स्टमक यानी कि जो आपका अमाशय है, जब आपका फूड जो है अमाशय में होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काइम। तो स्टमक यानी कि जो अमाशय, और यहाँ पर आपका कौन सा जूस होता है? गैस्ट्रिक जूस। इस जूस में जब आपका जो है फूड जो हम खाते हैं वो मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइम। उसके लिए टर्म यूज होती है काइम। नेक्स्ट है फूड स्टोर्ड इन विच फॉर्म। हमारे शरीर में जब हम फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में जो है बाद में स्टोर होता है। तो किस रूप में स्टोर होता है? फैट्स एंड ग्लाइकोजन। तो फैट्स और ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन, यानी कि जो पाचन है वो हमारे शरीर में कहाँ से इनिशिएट होता है? मतलब जब हम फूड जो लेंगे उसमें, उस फूड में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से शुरू होता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है, आपके स्टमक से, या पेनक्रियाज में, या इंटेस्टाइन में जाकर शुरू होता है। तो कहाँ शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके माउथ से ही, मुख से ही जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका सलाइवा में, जो आपका थूक है उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन उसका नाम है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। उसके बाद प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो आपके शुरू होता है अमाशय यानी कि स्टमक से। यहाँ पर स्टमक में आपका एक एंजाइम होता है, कौन सा? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। उसके बाद फैट्स, फैट्स का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो फैट्स का पाचन आपका जाता है, शुरू होता है ड्यूओडेनम में। ड्यूओडेनम में लेकिन किसकी हेल्प से ये पाचन शुरू होता है? लाइपेज एंजाइम, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट होता है लाइपेज एंजाइम? आपका पेनक्रियाज के द्वारा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, पेनक्रियाज से जो आपका जूस आता है, पेनक्रेटिक जूस, उसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज, और ये लाइपेज एंजाइम जब आपके ड्यूओडेनम में जाता है, तो ड्यूओडेनम में जो आपके फैट्स आते हैं, फैट्स वो कि जो कि लीवर के द्वारा जो फैट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स में जब ये छोटे मॉलिक्यूल आपके ड्यूओडेनम में जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका लाइपेज एंजाइम आता है ये आपका जो फैट्स को तोड़ता है, फैट्स का यहाँ पाचन शुरू होता है। तो ये चीज़ याद रखें, कन्फ्यूज मना हो। नेक्स्ट, विलाय या रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाय या रसांकुर कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके इलियम में, जो कि आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, यानी कि सबसे जो पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है, तो वो कहाँ होता है? इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा अंग जो है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं? किस अंग को कहते हैं अवशेषी अंग? तो हम किसे कहते हैं?
अपेंडिक्स, सबसे पहले तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे शरीर में, जिनका काम अब नहीं रहा है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें इन अंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी हमारे शरीर में इन ऑर्गन का कोई काम नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है आपका अपेंडिक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने दो टर्म लिखी है यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आए कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत है, ये आपके कौन कौन से तीन भागों में डिवाइडेड है, तो ये आप जरूर चीज जान ले। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो डिवाइडेड है आपके तीन भागों में, सीकम, कोलोन और रेक्टम, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी डिवाइडेड है आपके तीन भागों में, कौन कौन से, ड्यूओडेनम, जेजनम और इलियम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है ड्यूओडेनम की शेप पूछी जाती है, तो ये आपका यू शेप है, यू तरह का आपको दिखता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से बार बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। आई होप ये जो है आप अच्छे से कवर कर लेंगे। कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। बाकी डिटेल वीडियो अगर इस टॉपिक की अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आप हमें फॉलो करना चाहे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।